रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हर किसी को भगवान हनुमान के जैसा फिजिक चाहिए और इसी का पता लगाने के लिए हम आ पहुंचे हैं महाबली हनुमान यानी कि निर्भय वाधवा के पास, जिनसे हम लेने वाले हैं कुछ जिम के टिप्स। निर्भय, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली मसाला में। और ये बताइए कि मतलब कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऐसे फिजिक के लिए आपको? थैंक यू सो मच। फिजिक के लिए मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ती है, बस थोड़ा पंचुअल भी होना पड़ता है कि सुबह टाइम से उठो, अच्छी डाइट खाओ, खान पान अच्छा रखो, विचार अपने अच्छे रखो और हनुमान जी की पूजा करो, जिससे हनुमान जी आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं वज़न उठाने में और अच्छा दिखने में, लंबा चौड़ा दिखने में। तो बस मैं रेगुलर हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और जय श्री राम करके वजन उठा लेता हूँ और बॉडी बन जाती है। दिन भर में आप मतलब कितनी बार ऐसा आपका डाइट है, क्या डाइट प्लान है, कितनी बार आप खाते हो, कितने एग्स खाते हो, कितनी बार सप्लीमेंट लेते हो आप? जी, जब से मैं हनुमान जी का रोल कर रहा हूँ तो मैंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया है, मैं अब नहीं खाता। मैं नेचुरल के अंदर देखा जाए तो मैं सोयाबीन खाता हूँ, मैं दालें खाता हूँ, मैं राइस लेता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, रोटी भी मल्टीग्रेन आटे की खाता हूँ, और सलाद और प्रोटीन सप्लीमेंट मैं लेता हूँ, अमीनो हो गए, प्री वर्कआउट हो गए, मल्टीविटामिन हो गए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं तो मैं लेता हूँ। और डाइट का बहुत महत्वपूर्ण खेल है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, आपका शरीर सुंदर बनाने में, और इसके लिए कम से कम मेरे को 10 से 12 बार खाना खाना पड़ता है, 8 से 10 लीटर पानी पीना पड़ता है, और जिम तो रेगुलर करना ही पड़ता है, चाहे छुट्टी मेरी कभी नहीं होती, मैं 7 दिन वर्कआउट करता हूँ। छुट्टी तब करता हूँ जब कहीं मीटिंग्स होती है या बहुत ही अर्जेंट जाना पड़ता है तो छुट्टी हो जाती है, नहीं तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं 7 दिन वर्कआउट करूँ। दिन वर्कआउट करना इन द सेंस, निर्भय हम लोगों ने देखा है कि महाबली हनुमान है तो आपको वैसे अपने चेहरों से एक्सप्रेशंस वगैरह देने पड़ते हैं, फिजिक आपकी इतनी ज़्यादा अच्छे हैं तो मतलब लोगों को ना आपके वैसे क्या है कि आपकी थाइज बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो मतलब क्या किया आपने ऐसा कुछ? हनुमान जी के लिए मैंने अपने लेग्स पे काफ़ी वर्कआउट किया, बहुत मेहनत लगती है स्क्वाट करने में, सबसे ज़्यादा टफ है। अपर बॉडी बनाना बहुत आसान है, सिक्स पैक्स बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है, लेकिन लोअर पार्ट बनाना बहुत मुश्किल है। लेग्स में मेरे को 2 बार वॉमिट हुई है, चक्कर आए हैं, सर दुखा है, क्रैम्प्स आए हैं, बहुत दर्द हुआ है, लेकिन हनुमान जी का साथ है तो हो जाता है और लेग्स बनाने में कामयाब रहा मैं। फिर तो ये बताइए कि मतलब हाउ फ्रीक्वेंटली यू कम टू जिम, मतलब आप मतलब इस जिम में आते हो तो कितनी फ्रीक्वेंटली आते हो आप? मैं कभी जिम अपना स्किप नहीं करता, रेगुलर वर्कआउट करता हूँ, चाहे शूट होता है तो मैं रात को 2-3 बजे आता हूँ, जब भी पैकअप होता है उसके बाद मैं पहले जिम आता हूँ, उसके बाद फिर घर जाता हूँ एक्सरसाइज करके। हमेशा ये सोचता हूँ कि 1 से 1.5 घंटा शूट मेरा ज़्यादा चल गया, ये सोच के मैं जिम आता हूँ और फिर वर्कआउट कर लेता हूँ, चाहे हिम्मत हो चाहे नहीं हो, लेकिन भगवान का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेके 1 से 1.5 घंटा बस बिता लेता हूँ जिम में। और मेरा जो ये जिम है एनी टाइम फिटनेस, इसके अंदर ये 24 घंटे खुला रहता है, कभी 365 डेज में कभी बंद नहीं होता, तो बहुत हेल्प करता है ये जिम भी मेरे को एक्सरसाइज करने में। निर्भय कितनी मतलब कितने किलो का वेट ज़्यादा से ज़्यादा उठाते हैं? स्क्वाट पे मैं 200 kg मतलब 400 pounds के आसपास, और बाइसेप्स पे लगभग 35 kg एक हैंड पे, और चेस्ट भी मेरी 200 किलो के आसपास चली जाती है। अच्छा खासा वेट उठा लेता हूँ अब मैं, क्योंकि ह्यूज दिखना है, बड़ा दिखना है, दूसरे लोगों से अलग दिखना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो हो जाता है सब, आप भगवान के साथ रहता हो जाता है, बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कि कोई पहाड़ तोड़ दिया बॉडी बना के या कुछ कर लिया, आप भी बना सकते हैं, सब बना सकते हैं, बस बुरी आदतों से बचे, टाइम पे सोए, सिगरेट शराब और पार्टी नाइट लाइफ बंद कर दें तो बॉडी बन जाएगी। पुशअप्स करने में लोगों की हालत निकलती है तो मतलब निर्भय से अगर पूछे जाए तो कितनी बार कर सकते हो आप? पुशअप्स मेरे को असर नहीं करती है अब, क्योंकि मेरे को बोरियत लगती है, मैं कम से कम 50-50 के 3-4 सेट आराम से मार लेता हूँ और वार्म अप के तौर पर मारता हूँ, उससे अब कोई असर नहीं पड़ता। अब मैं थोड़ा उससे ऊपर निकल गया हूँ तो मेरे को उससे एडवांस वर्कआउट करना पड़ता है। ओके, तो निर्भय हम लोगों ने देखा है कि आपके बाइसेप्स बहुत ज़्यादा, तो कितने इंचेस के हैं ये आप बता दें? ये हैं 18 इंचेस का है मेरे बाइसेप्स हैं, और जब मैं फ्लैक्स करता हूँ तो 18.5 इंच के हाथ पर हो जाता है। इन शॉर्ट बता दे दर्शकों को कि जहाँ हम लोगों ने गाना सुना है 16 का डोला, वो 18 का डोला हो सकता है, ऐसा है कुछ? बिल्कुल हाँ, 18 का ही है मेरा।
तो निर्भय, एक मिथ हम लोगों ने सुना है कि आप स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा ऐसी फिजिक के लिए आपने स्टेरॉइड्स लिए हैं, कुछ ऐसा है, तो आप क्या क्लियर करना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे उस पर? बस मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि लोग ऐसा समझते हैं कि स्टेरॉइड लेने से बॉडी बनती है, और कई लोग ये भी कहते हैं कि मैंने हार्मोन्स या स्टेरॉइड यूज़ किए हैं, लेकिन सब ये मिथ की बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि जो लोग लेते हैं उनके कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, जैसे बाल उड़ जाना, स्किन पे एक्ने हो जाना, पीठ पे फैट बॉल्स हो जाना, और आगे जाके कई बहुत दिक्कतें होती हैं। और मोस्टली बॉडी बिल्डर्स जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए ये गेम है। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि ये चीज़ लेनी चाहिए। अगर आप हेल्दी डाइट रखते हैं, खान पान अच्छा रखते हैं, तो आप अच्छी बॉडी बना सकते हैं। बाकी कई लोग समझते हैं कि मैंने लिया है, वो तो हर किसी को बोलते हैं जिसकी बॉडी बनती हुई दिखती है कि भाई इसने, क्योंकि यहाँ के लोगों के मन में ये वहम बैठ गया है कि बिगेस्ट स्टेरॉइड हार्मोन्स की बॉडी बनती ही नहीं है। कई लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट्स और ये कैप्सूल जो अमीनो हैं ये भी गलत है, लेकिन ये सही है। जो लीगली मार्केट में चीज़ मिल रही है वो सही है, और जो जुगाड़ से ली दी जा रही है, जिसका जुगाड़ी कहते हैं उनको, कि आम जगह पे नहीं मिल रही है, आम मेडिकल स्टोर्स पे नहीं मिल रही है या न्यूट्रिशन शॉप पे नहीं मिल रही है, तो वो इलीगल है, तो उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, गवर्नमेंट ने ऐसे ही उसे बैन नहीं किया होगा। हम लोगों ने सुना है कि अच्छी फिजिक के पीछे अच्छे ट्रेनर और अच्छे जिम का मतलब बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आप किसको सबसे ज़्यादा मतलब सब बोलना चाहेंगे, किसे अपने योगदान का ये भागीदारी देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा एनी टाइम फिटनेस के लिए, जो इतना अच्छा जिम है, बहुत हाइजीनिक है, सारे इक्विपमेंट्स हैं, और सबसे बड़ी बात 24 घंटे तक खुला रहता है, और यहाँ के जो ट्रेनर्स हैं, जो मैनेजर हैं, काफ़ी फ्रेंडली हैं, बहुत हेल्प करते हैं एक्सरसाइज के लिए मेरी, और काफ़ी नॉलेज भी है उनको, हाईली क्वालिफाइड है इस फील्ड के लिए। मैं आपको मिलवाता हूँ उपदेश सर, ये हमारे मैनेजर साहब हैं उपदेश सर, और ये चंदू सर जो मेरी हेल्प करी है इन्होंने ऐसी बॉडी बनाने के लिए। जिम इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी फ्रेंडली। हमारे जिम में हम सब लोग ही फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर करते हैं कि हम लोग फैमिली की तरह ट्रीट करें उनका, और हमारा जिम 24/7 है, और वो क्या करता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एक एश्योरेंस रखता है कि एक आदमी अगर अपने काम से बिजी है तो वो कभी भी आके वर्कआउट कर पाए। एक प्रॉपर बॉडी बनाने के लिए आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करना होता है, प्रॉपर वर्कआउट और प्रॉपर रेस्ट लेनी पड़ती है। तो हमारा वर्कआउट शेड्यूल होता है 5 days a week, ठीक है, तो हम एक एक बॉडी पार्ट वर्कआउट करते हैं, तो वो काफ़ी बहुत हाई लेवल पे है। और मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि लोग स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाते हैं, लेकिन सर नेचुरल है। ओके निर्भय, तो मतलब जाते जाते अगर आप अपने फैंस को क्या टिप्स देना चाहेंगे फॉर फिटनेस का? फिटनेस की सिर्फ टिप्स यही देना चाहूँगा कि एक्सरसाइज पे ध्यान दें, और डाइट अच्छी खाएं, और टाइम पे सो जाएं, टाइम पे उठें, वर्कआउट करें। आप डाइट खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी बनेगी। ट्रेडमिल पे कितने देर कितने किलोमीटर भाग दौड़ होती है आपकी? नहीं, मैं ट्रेडमिल पे भाग दौड़ बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मेरे को वेट गेन करना है, वेट लॉस नहीं करना। और वार्म अप के तौर पे मैं सिर्फ चिन अप करता हूँ, पुशअप्स करता हूँ, पैरेलल डिप्स करता हूँ, दैट्स इट। ज़्यादा मैं भाग दौड़ नहीं करता, क्योंकि मेरे को बड़ा दिखना है, ह्यूज दिखना है, पतला नहीं दिखना, इसलिए मैं ट्रेडमिल नहीं करता। अच्छा निर्भय, हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे आप महाभारत में कैरेक्टर थे, फिर उसके बाद फिर आप महाराणा प्रताप में आए, तो धीरे धीरे आपने वेट गेन किया है, तो मतलब कितनी फ्रीक्वेंटली आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ी? सबसे ज़्यादा मेहनत तो महाबली हनुमान जी के लिए करनी पड़ी मेरे को, क्योंकि इसमें करने के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ था, कि हार्डनेस पे बहुत ज़्यादा वर्क था बॉडी। आपको हनुमान जी आप कर रहे हो तो नेचुरल सी बात है आपका लोअर पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि मैंने कोशिश करी कि मैं वैसा कर पाऊँ। और मैंने एक मूर्ति देखी थी एक्चुअली हनुमान जी की, उसके अंदर उनकी लेग्स बनी हुई थी, एब्स थे, प्रॉपर स्टाइलिश पूरे हनुमान जी दिख रहे थे, तो मैंने अपने आप को उनके हिसाब से बनाने की कोशिश करी, और मेरे ख्याल से 1-2% तक कामयाब भी रहा मैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। और बाकी भगवान का हाथ रहा है, और मेहनत कर रहा हूँ अभी भी, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। ओके निर्भय, से जाते जाते आप अपने दर्शकों को और फैंस को क्या टिप्स देना चाहोगे फॉर फिटनेस टिप्स, अगर पूछा जाए तो? मैं सिर्फ अपने दोस्तों को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बुरी आदतों से बचें, टाइम पे सो जाएं, सुबह टाइम पे उठें, वर्कआउट करें, खूब सारे बादाम खाएं और बनाना लें, जूसेस पिएं, अच्छी हेल्दी चीज़ें खाएं, और विचार अच्छे रखें, और हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ें, भगवान का आप पे हाथ रहेगा, तो इजीली आप बुरी आदतों से बचेंगे और अच्छी बॉडी बना पाएंगे।
ओके ठीक है, थैंक यू निर्भय, एंड उम्मीद करते हैं कि हम जल्द ही आपको छोटे पर्दे पर, हम सब भी दर्शकों के साथ साथ हमें भी आपका इंतज़ार है। कैमरा पर्सन फैजान के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, टेली मसाला। हाय, मैं हूँ निर्भय वधवा। संकट मोचन महाबली हनुमान के सारे अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेली मसाला।